ये विजिलेंस विभाग की तरफ से जनपद मुरादाबाद के दो थाना क्षेत्र सवेलाना कूड़ा पांडा में दो अभियोग दर्ज कराए गए हैं, जो कि सीलिंग की जमीन को जो है वो अनाधिकृत और अनुपयुक्त तरीके से जो है ट्रांसफर करने के संबंध में, इस संबंध में कल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर कौन लोग हैं जिनके नाम है इसमें? विजिलेंस विभाग के द्वारा तत्समय जो नियुक्त यहाँ पर रहे थे अधिकारी कर्मचारी उन सबको नामजद किया गया है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर कुल कितने लोगों पर FIR हुई है? 8 से 10 कर्मचारी जो है वो सिविल लाइन FIR में जो है नामजद। तो उन्होंने वो सब चीज़ें करी थी और उन्होंने यहाँ अर्बन सीलिंग की बहुत सारी जमीन विधि विरुद्ध रूप से जाके अपने जो उनका जो उनके जो अख्तियार थे उनके जो अधिकार थे उनको गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छोड़ दी थी। जो जमीन गवर्नमेंट अधिग्रहण कर चुकी थी उस जमीन को पब्लिक हित में, मतलब उनके पब्लिक के लोगों को जो कि लोग हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो चुकी थी। 1980 की जमीन थी अधिग्रहण की, उसको छोड़ दिया गया और जिससे राजस्व का तो ढेर सी बात है बहुत बड़ी क्षति हुई थी। एक तो वो था, एक दूसरा आप जिलाधिकारी थे तो जिलाधिकारी होने के नाते आपके पास जहाँ कहीं अधिग्रहण कुछ होना होता है तो उसका आपके पास सूचना पहले आती है, आपके पास नक्शा पहले होता है। जाहिर सी बात है जब जिला जेल बननी थी उस जेल के अधिग्रहण का नक्शा भी आप ही के पास था, तो आपने अपने ही एक मित्र जो NHRM में भी पहले घोटाले में रह चुके हैं, यहाँ एक होटल चलाते हैं उसमें भी उनका अवैध है कब्जा उन्होंने अपना कर रखा है, उस पर भी कई बार MDA कार्रवाई कर चुका है, तो उनके नाम से ज़मीन खरीदी उनके बेटे के नाम से और वो ज़मीन अधिग्रहण से 1.5 किलोमीटर दूर थी और बफ की ज़मीन उसमें बीच में पड़ रही थी, तो बफ की ज़मीन को विधि विरुद्ध रूप से फिर उन्होंने वही काम किया, एक्सचेंज कर दिया बफ की ज़मीन को एक पर्सनल व्यक्ति को जो 1.5 किलोमीटर दूर है वहाँ भेज दिया, जबकि उनको करना यह था एक कमेटी बनानी थी जो नहीं बनाई गई, तो वो जो पूरा भ्रष्टाचार था उसमें जो मुआवजा मिला उसका बंदर